हर दिन सुबह से शाम तक बुलडोजर लेके घूमता रहता है। वो प्रशासन क्या आज वो बुलडोजर गिल्सन गोंसालिस के घर की तरफ मोड़ेगा? क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या इन अधिकारियों अधिकारी कर्मचारी के लिए कोई कानून नहीं है देश के संविधान में? वसई विरार महानगर पालिका अगर गिल्सन गोंसालिस के घर के ऊपर तोड़क कार्रवाई नहीं करती है तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं कैंपेन चलाऊंगा। सबसे पहले मैं कैंपेन चलाऊंगा, आज ही इसी वीडियो में ऐलान कर रहा हूं, सिग्नेचर कैंपेन। लोगों के सिग्नेचर लूंगा, उसके बाद में नौबत आई तो मैं अनशन करूंगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक अधिकारी रोज सुबह अपने घर से निकलता है, अपने कार्यालय पे जाता है, वहां जाकर कई काम करता है, लेकिन उस काम के साथ में एक काम मुख्य तौर पर करता है, वह यह है कि उसके अधिकार क्षेत्र में कितने इल्लीगल घर बने हैं, अनाधिकृत मान काम हुआ है, उनको तोड़ना। यह हर एक सहायक आयुक्त की दिनचर्या है। अब आप सोचिए, अगर किसी सहायक आयुक्त का घर ही इल्लीगल हो तो क्या कहा जाए? एक बार फिर बता रहा हूं आपको वही, कि सहायक आयुक्त का घर ही इल्लीगल हो तो क्या कहा जाए? उस अधिकारी का, जो अधिकारी सबके घर तोड़ रहा है, उसका खुद का घर अगर इल्लीगल है तो क्या उसे अपनी कुर्सी पे बने रहने का नैतिक अधिकार है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है। मेरे पास ये दस्तावेज है, ये कागज है, वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवगर माणिकपुर के सहायक आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस, जो कि खुद को सिंघम समझते हैं और कैसी कैसी कार्रवाई करते हैं, पिछले 15 दिनों में कितना ही घटनाक्रम गिल्सन गोंसाल्विस को लेकर सामने आया। मनसे के झंडे को उतारा, मनसे ने आंदोलन किया, गिल्सन को हटाकर मुख्यालय में बुलाया गया, फिर गिल्सन को अपनी जगह पर बिठा दिया। क्योंकि मैंने पहले भी अपने पहले के वीडियो में भी कहा है कि गिल्सन गोंसाल्विस के पीछे बड़ी ताकतें हैं, राजनीतिक आकाओं का हाथ है। ठीक है, वो महानगर पालिका प्रशासन का काम है, लेकिन गिल्सन गोंसाल्विस के बंगले को ये नोटिस 31/1, आज 2 तारीख है, परसों ये नोटिस निकला, आपके घर के कागज पत्र सादर करो। गिल्सन गोंसाल्विस का घर है ये सांडोर गोगालेवाड़ी होली में, सर्वे नंबर 99, हिस्सा नंबर A31, वहां पर इसका घर है जहां ये खुद रहते हैं, और ये घर इल्लीगल है, इसको ये नोटिस निकला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोटिस कागज पत्र सादर करोगा तो मैं इल्लीगल क्यों बोल रहा हूं? तो उसके पीछे ऐसा कारण है, मेरा इल्लीगल बोलने के पीछे ऐसा कारण है कि ये तो ऑफिशियल जानकारी मैंने आपको बताई और बकायदा माहिती अधिकार कानून के तहत निकाली गई जानकारी है। ठीक है, लेकिन गिल्सन गोंसाल्विस को ये नोटिस देने के लिए 2 दिन तक महानगर पालिका कर्मचारी इधर उधर घूमते रहे, उसके पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन उसने नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भी नोटिस जब किसी को मिलता है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में वही चोर है। अगर उसके पास दस्तावेज है तो वो नोटिस एक्सेप्ट करेगा और दस्तावेज सादर कर जो भी अपने पास वो दिखाएगा। यानी गिल्सन गोंसाल्विस दस्तावेज नहीं ले रहा था, ऐसी सूत्रों से जानकारी है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है। और ये नोटिस भी निकला 31 तारीख को, 31/1 को, और गिल्सन को मिला 1/2 को, यानी कल शाम को, आज 2/2 है। अब गिल्सन गोंसाल्विस जो कितने सालों से वसई विरार महानगर पालिका में नौकरी कर रहा है, नौकरी वाले इसके खुद, ये खुद कई बार प्रभारी सहायक आयुक्त रह चुका है ये अधिकारी, और प्रभारी सहायक आयुक्त रहते हुए
कई घरों को तोड़ा है, कई घरों को नोटिस दिया है। इससे पहले के एक वीडियो में बता चुका हूं, या शायद अगर नहीं बताया तो आपको बताऊं, इसने एक ऐसे घर को भी नोटिस दिया, वो भी हमारे पास में सबूत है, कि जिसके किचन में थोड़ा सा फेरबदल हुआ था, या तो किसी ने ऐसी शिकायत की कि आपके किचन से बदबू आ रही है, तो उस घर को नोटिस भेजा था गिल्सन गोंसाल्विस ने कि आपके घर से बदबू आ रही है, आपके घर के किचन में कुछ फेरबदल किया है, आपके पेपर सादर करो। बाद में उन्होंने काफी लंबा चौड़ा उस घर मालिक ने जवाब दिया था। साथ ही साथ इसी गिल्सन गोंसाल्विस ने एक विवाद पैदा किया था, आपको याद होगा मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो डाला था, विक्टर डिसूजा के घर के कागज पत्र सादर करो का नोटिस इसी गिल्सन गोंसाल्विस ने निकाला था। विक्टर डिसूजा जो भी महानगर पालिका में अधीक्षक है, और तब जब वो ऑर्डर निकला तब प्रभारी सहायक आयुक्त आई प्रभाग था, उनका घर है मणिकपुर में, उसको पेपर सादर करो। अब मजे की बात यह है कि विक्टर डिसूजा का घर जो है वो ग्राम पंचायत के जमाने से है, करीब करीब 30-35 साल पुराना घर है, उसको गिल्सन गोंसाल्विस ने नोटिस निकाला कि कागज पत्र सादर करो। बाद में विक्टर डिसूजा ने कागज पत्र कुछ दिए भी और वो मामला भी फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन फिलहाल ये ताजा मामला गिल्सन गोंसाल्विस का है। और गिल्सन गोंसाल्विस को जो नोटिस है ये ले क्यों नहीं रहा था? इतना ही नहीं, आप 7/12 देख सकते हो, 7/12 आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, 7/12 के ऊपर गिल्सन गोंसाल्विस का जो 7/12 है उसके ऊपर बैंक का बोझा है 35 से 36 लाख का। एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है लोगों से शासन का महसूल वसूलने की, वही खुद अपना घर अनाधिकृत तौर पर बांधता है। प्रशासन जो हर दिन सुबह से शाम तक बुलडोजर लेके घूमता रहता है, वो प्रशासन क्या आज वो बुलडोजर गिल्सन गोंसाल्विस के घर की तरफ बढ़ेगा? जैसा मैंने पहले कहा, गिल्सन गोंसाल्विस के ऊपर जो कानूनी कार्यवाही है उसको तो फॉलो अप करेंगे ही, उसकी जहां कंप्लेन करनी हो तो, लेकिन क्या नैतिकता के आधार पर उसको कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है? जब यह जाहिर हो गया कि गिल्सन गोंसाल्विस जो है इस तरह से इल्लीगल बंगले में रहता है। और वैसे विधान महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा सवाल है, जिन्होंने फिर से इतना बवाल होने के बाद भी गिल्सन गोंसाल्विस को अपनी जगह पर फिर से बिठा दिया था, उनके पास इस सवाल का क्या जवाब है? एक अधीक्षक जिसको क्यों बार बार एक ही प्रभाग में बिठाया जा रहा है? क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या इन अधिकारी कर्मचारी के लिए कोई कानून नहीं है देश के संविधान में? मतलब ये कुछ भी करे तो चलता है, आम जनता कुछ भी करे, एक ईंट भी हिलाए तो इल्लीगल हो गया। वैसे विरार महानगर पालिका अगर गिल्सन गोंसाल्विस के घर के ऊपर तोड़क कार्रवाई नहीं करती है तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं कैंपेन चलाऊंगा। सबसे पहले मैं कैंपेन चलाऊंगा, आज ही इसी वीडियो में ऐलान कर रहा हूं, सिग्नेचर कैंपेन, लोगों के सिग्नेचर लूंगा, उसके बाद में नौबत आई तो मैं अनशन करूंगा। गिल्सन गोंसाल्विस के बंगले को जब तक महानगर पालिका नहीं तोड़ेगी तब तक मेरा अनशन मैं करूंगा। सबसे पहले मैं एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करूंगा और उसके बाद में अगली बार मैं ऐलान करूंगा कि कब मैं अनशन करने वाला हूं। तो मैंने आपको सच्चाई दिखाई है गिल्सन गोंसाल्विस के बंगले को लेकर, अब देखा जाएगा कि महानगर पालिका यहां क्या करती है। और सिर्फ गिल्सन ही नहीं, महानगर पालिका के ऐसे कितने कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके घर इस तरह से इल्लीगल बने हुए हैं, उनकी भी जानकारी महानगर पालिका को होनी चाहिए। अभी के लिए यहीं पर रुकता हूं, इस वीडियो के आगे मैं जरूर, जैसा मैंने कहा, मैं कैंपेन चलाने वाला हूं सिग्नेचर कैंपेन में। जो दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मेरे इस कैंपेन में जरूर अपना सिग्नेचर दें। और एक सवाल मनसे से है, खाली आज एक ही सवाल करूंगा मनसे से, मनसे का जो हुआ मनसे मैंने जो भी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन मन से यह सवाल उठाती है कि अनाधिकृत बांध काम पर कार्रवाई की जाए, तो क्या गिलसन का यह अनाधिकृत बांध काम है इसको तुड़वाएगी मन से, इस पर कार्रवाई की मांग करेगी? यह मेरा एक सवाल है सिर्फ मन से। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।